आम आदमी पार्टी वालों हलका संगरूर तो सरपंच गुरमेल सिंह नूं चोणां विच उतारन तों बाद घर दे विच व्याह वर्गा माहौल देखण नूं मिल रहा है अते वख-वख सियासी लीडरां दे वल्लों पहुंच के मुबारकां दित्तियां जा रहियां ने। इस मौके पत्रकारां दे नाल गल्लबात करदिआं होइआं उन्हां दस्सिआ कि एक आम घर तों उठ के एक वड्डे मुकाम उत्ते चोण लड़ना मेरे लई बहुत वड्डी गल है अते मैं अपने इस किरदार नूं कायम रखदिआं एक आम घर दा नौजवान बण के लोकां दे विच उतरांगा अते प्रचार करांगा। अते उन्हां ने अपने मुद्दिआं उत्ते गल्लबात करदिआं दस्सिआ कि पंजाब भर विच वध रही बेरोजगारी नूं पहल दे आधार उत्ते खत्म करन दी कोशिश कीती जावेगी अते उन्हां दस्सिआ कि उन्हां वल्लों अज कागज़ दाखल करके लोकां विच प्रचार शुरू कर दिता जावेगा। गुरमेल जी, अज एमपी दी सीट ते इलेक्शन दी तैयारी हो रही है, किस तरह महसूस? देखो जी, पहला तो असी अरविंद केजरीवाल जी का साढ़े नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अते मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हाँ जिन्हां ने एक आम घर दे विचों एक आम वलंटियर जो कदे पोस्टर लगाउण दा काम करदा सी टिकट दे के नवाजिया। इसलिए एक आम असी यही कह सकते भी आम आदमी पार्टी दे विच ही एक आम परिवार को बिलोंग करते वलंटियर टिकट मिल सकती है, नहीं आप रवायती पार्टियां की जेकर गल करिए 40-40 साल काम करन वाले वलंटियर की भी कोई वैल्यू नहीं होंदी, उन्होंने नहीं टिकट ना नवाजिया। जो गल करिए विराज सुखबीर सिंह बादल जी सिंह जी मान जी के घर आके गए ने, उन्हां दी भी रणनीति तैयार हो गई, किस तरह दी? देखो वो रणनीति नहीं उसनू कह सकते, देखो रणनीति होंगी जेकर वो इलेक्शन लड़ते, उन्होंने बार बार अपना कैंडीडेट लभण की कोशिश की, जिसनों भी वो टिकट देंदे सीगे दूसरे दिन वो कैंडीडेट उन्हां दा टिकट वापस कर जांदा सी, जिस कारण उन्हां नूं कोई कैंडीडेट नहीं मिल रहा, इसलिए वो सिमरजीत मान जी कोल जा रहे नेगे उन्हां नाल समझौता। की मुद्दे लैके? देखो जो मुद्दे ने वो सारे पंजाब दे ने, चाहे वो हैल्थ दा होवे चाहे एजुकेशन दा, ये दो मुद्दे साढ़े प्रायोरिटी रहे। बिल्कुल, बहुत वड्डी गल है जी, जिहड़ी संगरूर दी उपचुण होण जा रही है उहदे विच साढ़े भाई जी गुरमेल एक कराचों जिहड़े कि इत्थों दे सरपंच भी ने और बहुत पुराने जिहड़े पार्टी नाल जुड़े हुए ने, और यही खासियत है आम आदमी पार्टी की कि बहुत जिक्र चलते सी कि उहनूं टिकट मिलू उहनूं मिलू, पर भगवंत मान साहब उहनां दी सोच जिहड़ी है वह बहुत वड्डी है और एक आम वलंटियर नूं मौका दे के उन्होंने वाकई साबित करता कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी है जमीन नाल जुड़ी है, मिट्टी नाल जुड़ी हुई है, और जिहड़े उम्मीदवार ने साढ़े भी बहुत ही लोगों के हरमन प्यारे लीडर ने जी। जिहड़े वड्डे वड्डे पैसे खर्च करते हैं पार्टी ते फाइनैशियली तौर पर करते हैं, उन्होंने आस थी भी एमपी टिकट सानू मिलेगी, उन्होंने दरकरार करता की लगता थोनों भी उन्होंने फाइनैशियली तौर पर मदद नहीं करनी चाहिए पार्टी की? देखो हर बंदे का एक तरीका होंदा, राजनीति 20 साल मंगती है जी, जिहड़ी राजनीति समझ रखदा तुसीं चणक्या नूं पढ़ो, तुसीं टॉलस्टॉय नूं पढ़ो, तुसीं लेनिन नूं पढ़ो, तां राजनीति दे विच राजनीति नॉट ए जोक, राजनीति मजाक नहीं है, राजनीति बहुत सीरीयस एक पेशा है जिहड़ा कि हर बंदे दे वास दा काम नहीं है, और राजनीति दी कमिटमेंट जिहड़ी है घट्टो घट राजनीति कहिंदी कि 20 साल मैनूं दिओ फिर तुसीं जिथे जाणा चाहो मैं तुहानूं उत्थे पहुँचा सकदी हां। ईजी लाइफ ईजी मनी शॉर्टकट रस्ते वाले लोग आते हैं, बड़े आते हैं तो चले जाते, उन्हों की कोई बाली होंगी नहीं होंगी, पर जोड़े जमीन ना जुड़े इंसान ने मिट्टी ना जुड़े इंसान ने वो उन्हों का किरदार उनका काम हमेशा रहा, पैसे नाल कदे राजनीति नहीं चलती जी। मेरे वर्गा बंदा साइकिल दे घूमन वाला बिना सिक्योरिटी तो बिना गड्डी तो असं घूमते हैं जी, MLA बनाता तो असी मिट्टी ना जुड़े इंसान, सानू कोई फूफा तो असं कुछ नहीं लेना जी। अज भी तुसी साइकिल ते आए हो जां अज गड्डी ते? नहीं ढाई अज तां मैं मेरे अज तां मैं गड्डी दे विच अपने दोस्त मित्रां दे नाल आया, गड्डी दे विच आया, कहण दा भाव इह है जी कि एक कनेडा वर्गी खूबसूरत जिंदगी छड्ड के जिथे वधिया वैल सैटल्ड काम छड्ड के पंजाब दे विच काम कर रहे हैं, असीं उह लोक हां जिहड़े पंजाब लई सुचेत हां, पंजाब लई काम करना चाहुंदे हां। जिहड़ा हुण प्रचार करोगे MP दा तुसीं ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ? ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਇਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 2:30 ਵਜੇ ਸੁਵੀਰ ਬਾਦਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ,
साढ़े जे मैं अकाली दल कांग्रेस चाहता मैं लगता सत्त जन्म नहीं टिकट देनी जी किसी ने, यही खूबसूरती आम आदमी पार्टी की। सिद्धू मूसेवाले नूं लैके इक आपां गल कर लईए, उहदी सिक्योरिटी हटाई गई, हटाउण तों बाद उहनूं प्रचारिया गया, प्रचारन तों बाद उहदी डैथ भी हो गई। कल जदों मुख्यमंत्री जांदे ने उत्थे घट्टो घट्ट 50,000 दे करीब पुलिस कर्मचारी थी, जे आपां 84 दी सुरक्षा नूं लैके उहदी वापस करी तां कल इन्नी सिक्योरिटी क्यों लगी? देखो सीएम दा अपना एक प्रोटोकॉल हुंदा जी, मैं इहदे च नहीं पैणा चाहुंदा। बाकी गल इह आ कि किवें डैथ होई, की कारण बणे, उहदियां ऑडियो भी लीक हो रहियां ने, किसी ना उन्होंने फादर साहब की भी गल हो रही है, समझा रहे कि तुसी अपने मुंडे नूं समझाओ जां की उहदी कड़ी, मैनू नहीं पता क्योंकि मेरा इहदे च कोई वो नहीं इंट्रस्ट हैगा, क्योंकि जदों इंसान कोई भी काम करता जी, मैं एमएलए हां जी नाभे तो, मैं बिना सिक्योरिटी तो घूम रहा, मैंने तो किसी ने कुछ नहीं कहा कदे जी, मैं सैकल दे भी घूमता जी, मैंने तो सत्कार ही मिले हमेशा, तुसी जिवें दा कुछ करते हो तुहानूं मैं अगे उहदा पे मिलदा जी। उन्होंने थ्रैट बहुत आए हुए थी, उन्हां दी सिक्योरिटी वापस करनी कोई जायज़ सी? सिक्योरिटी तो उन्होंने सीगी नाल लैके नहीं गए जी, दो बंदे सी जी, दो बंदे थोड़े होंगे जी, कितने दो दो सिक्योरिटी, एक बंदा छुट्ट जथेदारां दी जथेदार जानन जी, साडा की लैण देण, इह तां सेवादार बंदे आ, लोकां दी सेवा करन वाले आ, जथेदारां दी रब ही जाणे जी की करदे की नहीं करदे, इहनां नाल साडा कोई संबंध नहीं। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।